नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। किडनीज हमारे पेट में लोकेटेड दो ऑर्गन्स होते हैं। किडनीज हमारा खून प्यूरिफाई करने के लिए मदद करते हैं। अगर किडनीज में किसी कारण की वजह से कोई खराबी आ जाए, कोई सीवियर इन्फेक्शन, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाए तो किडनीज फेल हो सकती हैं। अगर किडनी फेल हो जाए तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किडनी की ट्रीटमेंट करवाने के तीन सबसे मेजर ऑप्शंस होते हैं। एक डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट या फिर मेडिकल मैनेजमेंट। इन तीन ऑप्शंस के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी लेंगे, कुछ डिटेल में समझ लेंगे। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमारा सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। किडनी फेलियर की डायग्नोसिस ज़्यादातर ब्लड टेस्ट के द्वारा यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट नाम की एक ब्लड टेस्ट के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा 24 आवर यूरिन प्रोटीन और 24 आवर यूरिन टेस्ट के द्वारा भी किडनी फेलियर कितनी सीवियर है और कितने हद तक हो गई है इसकी जानकारी मिल सकती है। अगर किडनीज में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो तो ये अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई के द्वारा भी समझी जा सकती है। आपकी पूरी तरह से प्रॉब्लम समझ के, आपकी किडनी फेलियर एग्जैक्टली कितनी सीवियर है ये समझ के आपके डॉक्टर आपके लिए सबसे सूटेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहेगी इसके बारे में समझा सकते हैं। यूजुअली जब किडनी के पैरामीटर्स बहुत ही ज़्यादा हो गए हो, किडनी में से फंक्शन इतना कम हो गया हो कि वो अपना काम यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करना पूरी तरह से बंद कर चुका हो तो ज़्यादातर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया जाता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें एक मशीन की मदद से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। एक आम आदमी के टर्म्स में समझाया जाए तो डायलिसिस मशीन की किडनी के द्वारा खून को प्यूरिफाई करने की टेक्निक हो सकती है। ये मशीन किडनी का काम कुछ हद तक करता है लेकिन किडनी के इतने सारे फंक्शंस होते हैं कि डायलिसिस करवाने के बावजूद कुछ दवाइयाँ शरीर को रेगुलेट करने के लिए आपको सजेस्ट की जा सकती है। डायलिसिस की प्रोसीजर के द्वारा खून में डेवलप होने वाला वेस्ट मशीन में से निकाल दिया जा सकता है। डायलिसिस मेनली दो प्रकार के होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस हार्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें खून को एक मशीन में से सर्कुलेट करके वापस से बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। हार्ट में एक सर्जरी के द्वारा प्रॉपर कनेक्शंस किए जाते हैं, शंट लगाए जाते हैं जिसकी मदद से खून एक तरह से बाहर निकल आ सकता है और दूसरी जगह से एंटर हो सकता है। इस प्रोसीजर के दौरान पूरा का पूरा शरीर में बहने वाला पूरा का पूरा खून अपने आप से क्लियर हो जाता है और वेस्ट क्लियर हो जाता है, शरीर के बाहर निकल जाता है। हीमोडायलिसिस डायलिसिस सेंटर में करवाया जा सकता है या फिर कुछ लोग ये घर के अंदर भी करवा लेते हैं। हीमोडायलिसिस की तरह ही पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस भी हीमोडायलिसिस की तरह खून को पूरी तरह से प्यूरिफाई करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हीमोडायलिसिस हाथ में से खून को प्यूरिफाई करता है और पेरिटोनियल डायलिसिस पेट में डाले हुए एक कैथेटर की मदद से प्यूरिफाई करता है, खून को प्यूरिफाई करता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट के अंदर एक डायसाइक्लेट नाम का लिक्विड डाल दिया जाता है और फिर
उस लिक्विड की मदद से खून को प्यूरिफाई किया जाता है और एक कैथेटर की मदद से सब बाहर निकाल दिया जा सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस घर के अंदर भी किया जा सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद पेट के अंदर का लिक्विड, डायसाइक्लेट नाम का लिक्विड, रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल कैंडिडेट हो तो आपके डॉक्टर आपको पूरी की पूरी किडनी चेंज करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं, जिसे अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो ही आपको किडनी ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट में अवेलेबल किडनी एक मरे हुए इंसान से या फिर एक जीवित इंसान से ली जा सकती है। अगर जीवित इंसान से लेनी है तो एक किडनी ही ट्रांसप्लांट होती है। अगर आपकी किडनी फेलियर इतनी सिवियर नहीं है कि आपको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयों का सुझाव दे सकते हैं। यूजुअली ये दवाइयां किडनी के फंक्शन को रिवर्स करने की नहीं होती। ये किडनी फेलियर जिस कारण की वजह से होती है उन कारण को कंट्रोल करने के लिए होती है। जैसे कि बीपी, बहुत सिवियर बीपी होने की वजह से, बहुत ज्यादा हाई बीपी होने की वजह से किडनीज पे प्रेशर आ सकता है और उसकी वजह से किडनीज फेल हो सकती हैं। इसीलिए मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दवा दी जाती है, जिससे किडनीज के फंक्शन अपने आप से रेगुलराइज हो जाते हैं। अगर किडनीज फेलियर की वजह से एनीमिया हो रहा हो, यानी कि किडनी के फंक्शन की वजह से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही हो, तो उसे बढ़ाने के लिए दवाइयां दी जा सकती है। वैसे ही कॉमनली किडनी फेलियर की वजह से पैरों में सूजन आ सकती है। एंकल्स में स्वेलिंग होना किडनी फेलियर में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। ये स्वेलिंग कम करने के लिए डायूरेटिक्स नाम की दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, जिसके मदद से शरीर में से एक्सेसिव फ्लूइड, एक्सेसिव वाटर सैचुरेटेड बाहर निकल जाए। इन सब के अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। किडनी फेलियर में कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हो, यानी कि सोडियम और क्लोराइड बहुत ज़्यादा कम हो गए हो, तो आपके डॉक्टर आपको हाई सॉल्ट डाइट का सुझाव दे सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर सोडियम और क्लोराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो, तो आपके डॉक्टर आपको लो सॉल्ट डाइट दे सकते हैं। यूजुअली किडनी फेलियर में रिस्ट्रिक्टेड वाटर इंटेक का सुझाव दिया जाता है। कभी कभी एक ही लीटर पानी पीना है, दो ही लीटर पानी पीना है, ऐसा सुझाव भी दिया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को किडनी फेलियर की शिकायत है, तो उन्हें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करने का सुझाव दें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो, तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।